बागपत जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर छोटे से गांव पुरा में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर है, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर की केवल जिले ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रदेशों तक इसकी मान्यता है। लाखों शिव भक्त श्रावण और फाल्गुन के माह में पैदल ही हरिद्वार से कांवड़ में पवित्र गंगा जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। यह मान्यता है कि भगवान शिव भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हालांकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के चलते कांवड़ यात्रा बहुत सीमित है, लेकिन उसके बाद भी आसपास के काफी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित जय भगवान शर्मा के अनुसार यहां कजरी वन हुआ करता था और उस वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ आश्रम में रहते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चे घड़े में हिंडन नदी से जल भरकर लाती थी और वह जल शिव को अर्पण किया करती थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उस आश्रम में पहुँचे। ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका ने राजा का सत्कार किया, लेकिन राजा वहाँ से उनकी कामधेनु गाय को लेकर जाना चाहता था, जिसका विरोध करने पर राजा गुस्से में रेणुका को बलपूर्वक अपने साथ हस्तिनापुर महल में ले गया। रानी ने मौका देखकर रेणुका को मुक्त कर दिया तो रेणुका ने वापस आकर ऋषि को सब कुछ बताया। ऋषि ने एक रात्रि अन्य पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। रेणुका खुद को पवित्र बताते हुए वहां से नहीं जाना चाहती थी तो ऋषि ने अपने तीन पुत्रों को अपनी माता का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया, लेकिन उन सभी से मना कर दिया तो उनके चौथे पुत्र परशुराम ने पितृ आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। पंडित जय भगवान शर्मा के अनुसार उसके बाद परशुराम को इसका पश्चाताप हुआ। वह पश्चाताप करने के लिए घोर तपस्या करते हुए कुछ दूर ही शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जिनसे भगवान परशुराम ने अपनी माता को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया और उनको एक फरसा भी दिया। उस फरसे से परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु व उनकी सेना को मार दिया। उसके बाद परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ मंदिर बनवाया था। पंडित जय भगवान शर्मा ने बताया कि काफी समय बाद एक दिन लंडौरा की रानी वहां घूमने निकली तो उसका हाथी वहां आकर रुक गया। तब रानी ने सैनिकों को वह स्थान खोदने का आदेश दिया और वहां खुदाई में एक शिवलिंग निकला। माना जाता है कि जिस शिवलिंग को परशुराम ने स्थापित किया था वह वही शिवलिंग था जिस पर रानी ने एक मंदिर बनवा दिया। वह मंदिर आज परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। इसी पवित्र स्थल पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोध आश्रम महाराज ने तपस्या की थी। अब पुरा महादेव महादेव समिति बनी है जो इस मंदिर का संचालन करती है। सरकार ने कांवड़ यात्रा पर भले ही रोक लगाई हुई है, लेकिन परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि श्रावण के सभी सोमवार व शिवरात्रि पर काफी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का चलते इस बार कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित है। परशुराम द्वारा यहां जलाभिषेक करने के बाद ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हुई। हाँ, मेरा नाम पंडित जय भगवान शर्मा, मैं यहाँ मुख्य। अच्छा, जो है झंडा रोहन यहाँ किया गया है जी, जल शुरू हो गया है थोड़ा सा। देखिए, अभी आपने देखा है कि झंडा पूजन के उपरांत जब भी डीएम साहब एस पी साहब ने पूजन किया है, अब जब अभिषेक शुरू हो गया, शिव भक्तों की तांता लगा हुआ है। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए अब की बार पहले की अपेक्षा भीड़ कम है, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है शिव भक्तों की। ये भगवान आशुतोष को कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करने आ रहे हैं कि कोरोना महामारी जो ये है, इसका बचाव करने के लिए पूरे देश का सब, ये अपने लिए भी मांग रहे हैं और संसार के लिए भी। ये तो रहा इसका। अब जो भगवान आशुतोष का जो श्रावण का जो मास है, जो योगी जी ने अब की बार जो मंदिरों को अपने तरीके से जलाभिषेक करने की अनुमति दी है, वो यही इसीलिए थी कि कोरोना प्रोटोकॉल तीसरी लहर जो आ रही है उसको ध्यान रखते हुए
भगवान का अभिषेक करें और जो दूध चढ़ाने से, बिलपत्र चढ़ाने से, मतलब इनसे जो है जो मनोकामना पूर्ण होती है वो उसी प्रकार से जो हाँ संसार हित के लिए काम करने के लिए सब भक्त यहाँ आ रहे हैं। पंडित जी, पुरेश्वर महादेव का जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में जरा रोशनी डाल। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भगवान आशुतोष ऑर्डरदानी हैं, वो त्रिकाल हैं, महाकाल हैं, वो शिव शंभु हैं, उनको ना उनके 1008 नाम हैं, उन एक नाम में उनका धन्वंतरी नाम भी दिया गया है और धन्वंतरी वैद्य सबसे बड़े वैद्य हैं। तो इसीलिए सभी जो जितने भी शिव भक्त हैं हमारे जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म पद्धति में आयुर्वेद भी एक पद्धति है और आयुर्वेद में जितनी भी वनस्पति की पूजा होती है, जितने भी हमारे जितने भी जल की पूजा होती है, हमारे यहाँ पक्षी की पूजा भी होती है, इसलिए भगवान आशुतोष की पूजा इसीलिए होती है कि ये रोगान सहिसान परितुष्टा, रोग ना हो, महाकाल है ये, शिव भक्त इसीलिए आते हैं जलाभिषेक करने के लिए। मंदिर की महत्ता के बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, भगवान आशुतोष ने जो यहाँ जो आप वर्तमान दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान परशुराम जी द्वारा तप करने के उपरांत यहाँ शिवलिंग जो है ये प्राकट भगवान शिव रूप में, और जब उन्होंने ये क्यों तपस्या की, उन्होंने अपनी माता का अपना जीवित होने के लिए, अपनी माता का अपना जीवित होने के लिए उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान परशुराम जी को वरदान मांगने के लिए कहा। जब भगवान परशुराम जी ने वरदान मांगा तो अपनी माता का अपना जीवित होना मांगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि दंती है कि जो पुरेश्वर महादेव का शिवलिंग है वो रंग बदलता है। देखिए बंधुवर, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, ये मैं एक यहाँ का जो मुख्य पुजारी हूँ, मैं तो अपनी प्रशंसा करने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार। आप स्वयं देखिए, स्वयं फोटो में देखिए, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, ये स्वयं देख सकते हैं। भगवान शिव का कलर चेंज होता है, पूरे ब्रह्मांड में किसी शिवलिंग का कलर चेंज नहीं होता, लेकिन पुरेश्वर महादेव जी का ये चेंज होता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस मंदिर की शिवलिंग की स्थापना ऐसा माना जाता है भगवान परशुराम ने स्वयं अपने हाथ से की थी और हरिद्वार से जल लाके उन्होंने कांवड़ की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जी देखिए, भगवान आशुतोष का जब उन्होंने तप किया, जब तप करने के बाद शिव प्रकट हुए तो पिंडी रूपी यहाँ समा गए, और जब से अब तक क्लांतर से भी ऐसी है, और गंगा जल की जो प्रथा है, ये भगवान जो शिव का जो क्रोध शांत करने के लिए जब वो विष हल हल उन्होंने ग्रहण किया, जो नीलकंठ कहलाए, तब से उन्होंने गंगा जल प्रथा शुरू हुई है।